मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम करते हैं राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुकबंदी वाले। सभी तुकबंदी होती क्या है? तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि तुकबंदी होती क्या है, राइमिंग वर्ड्स होते क्या है। अब आपने सुना होगा जैसे हम गेम भी खेलते हैं, कैसे? जैसे जल, मैं कोई शब्द बोलता हूं, आपने उसके जैसा ही कोई शब्द बनाना, जैसे जल, कल, हल, फल, नल, ठीक है। इस प्रकार के जो ये शब्द है उन्हें आपने एक नोट करी होगी एक चीज, जैसे हमने बोल दिया जल, उसके बाद क्या बोला हमने? फल, उसके बाद हमने बोला नल। अब यहां पर ऐसा कौन सा जो वर्ण है जो बार बार आ रहा है? ल, 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 यानी कि कोई भी ऐसे शब्द जिनका अंतिम अक्षर समान आ रहा है, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज मैच कर रही है, मिल रही है, उन शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स या तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा लग्न, मग्न, भग्न, इस प्रकार जो शब्द है वो आपस में अंतिम ध्वनियां जिनकी मिलती है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे जाल, चाल, बाल और काल। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अंतिम जो ध्वनि है वो मिल रही है, जाल, काल, चाल, माल, जाल, चाल, बाल, काल। इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनकी अंतिम ध्वनि मिले उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इंग्लिश में कैसे होता है इंग्लिश में देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा PEN, पेन, HEN, हेन, MEN, मेन। तो इस प्रकार EN, 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 जो ये अंतिम जो दो अल्फाबेट है वो मिल रहे हैं, उनकी ध्वनि सेम आ रही है, N, 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 तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।